करनाल में सफाई व्यवस्था को कायम रखने के लिए प्रशासन द्वारा लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके करनाल के कई ऐसे स्थान हैं जो कि सरकारी कार्यों और प्रशासन की मेहनत पर पलीता लगा रहे हैं। यहां पर कूड़े के उठान की जगह उसे जलाया जा रहा है, जिससे न केवल गंदगी फैल रही है बल्कि वातावरण भी प्रदूषित हो रहा है। हम बात कर रहे हैं करनाल की मुगल कनाल स्थित एक जगह की। कहने को तो मुगल कनाल की मार्केट एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, लेकिन जिस तरह से मुगल कनाल स्थित सैनी कॉलोनी की बैक साइड पर गंदगी और गोबर के ढेर लगे हैं, उससे यह प्रतीत होता है कि स्मार्ट सिटी कहे जाने वाले करनाल को अगर गंदगी सिटी भी कहा जाए तो गलत बात नहीं होगी। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, यह सब वहां से गुजरने वाले राहगीरों ने कहा। जब समाचार एक्सप्रेस की टीम ने उस स्थान का दौरा किया तो दंग रह गए। गंदगी के ढेरों पर लगे आग के निशान और गोबर के लगे ढेरों ने इस बात को साफ कर दिया कि करनाल अब स्मार्ट सिटी नहीं रहा। जिन अधिकारियों पर करनाल को साफ और स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी है, या तो वो अपना काम जिम्मेदारी से नहीं कर रहे, या फिर उनके अधीन कर्मचारी अधिकारियों की बात नहीं सुन रहे। बात चाहे कुछ भी हो, कूड़े के ढेर और गोबर के ढेर तथा इसके अलावा लोगों ने जो भी बात बताई, वह ये साबित करती है कि साफ और सफाई को लेकर करनाल प्रशासन भले ही लाख दावे करती हो, लेकिन हकीकत धरातल से परे है। दोस्तों, मैं हूं तरुण मदान और आप इस समय देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस में। आपको बता दूं कि इस समय मौजूद हूं करनाल के सेक्टर 12 से मुगल कनाल में। इससे पहले कि मैं इसके जिस जगह पर खड़ा हूं इसके बारे में आपको कुछ और बताऊं, मैं आपको बता दूं कि ये सीएम सिटी है। सीएम सिटी को स्मार्ट सिटी भी कहा जाता है। इसको और स्मार्ट बनाने के लिए यहाँ पर प्रतिवर्ष हज़ारों करोड़ों रुपये खर्चा किया जाता है, ताकि यह स्मार्ट सिटी की दौड़ में अव्वल आ सके। और इसके लिए सरकार के द्वारा यहाँ पर करनाल में करोड़ों रुपये का बजट पेश किया जाता है। सबसे ज़्यादा जो अहमियत दी जाती है वो सफाई को दी जाती है, क्योंकि यह भी कहा जाता है कि जहाँ पर सफाई होती है वहाँ पर प्रभु का वास होता है। लेकिन जो दृश्य मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि वह इस कहावत से कोसों दूर है। हालाँकि यहाँ यह प्रतीत होता है कि यहाँ पर पिछले कई अरसे से सफाई नहीं हुई। सबसे महत्वपूर्ण बात जो निकलकर सामने आ रही है वो ये निकलकर सामने आ रही है कि जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक यहाँ पर कूड़ा तो डाला जाता है घरों का, लेकिन यहाँ पर लिफ्टिंग नहीं होती। जबकि सरकार ने यह भी कह रखा है, प्रशासन ने यह भी कह रखा है कि उस कूड़े को लिफ्ट करने के बाद उसको आपको डंपिंग सेंटर में लेकर जाना है। डंपिंग सेंटर के बाद उसको कैसे आपको करना है, इसको रिसाइकिलिंग के थ्रू उसको बचाना है या कैसे करना है, उसका निपटान कैसे करना है, इसके बारे में प्रशासन ने अपनी कई गाइडलाइन जारी कर रखी। लेकिन यहाँ पर ऐसे कुछ भी प्रतीत नहीं होता। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से कूड़ा या जला हुआ कूड़ा सामने आ रहा है, और यहाँ पर खड़े हुए इतनी स्मेल, बदबू आ रही है कि एक आम आदमी का यहाँ से निकलना दूभर। अगर यहाँ पर कूड़े को यहाँ पर उसको निपटान की बजाय अगर उसको आग के हवाले किया जा सकता है तो वो कितना खतरनाक हो सकता है आने जाने वाले और यहाँ पर आस पड़ोस में रहने वाले लोगों के लिए। इससे आप भली भांति वाकिफ भी हैं और इससे इसको आप देख भी सकते हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जला हुआ कूड़ा, और कूड़ा ऐसा भी जला हुआ कूड़ा भी है जिसको बताया जा रहा है, मिली जानकारी के अनुसार छुट्टी के दिनों में यहाँ पर इस कूड़े को उठाने के बजाय आग के हवाले कर दिया जाता है। अगर यह आग कभी हवा के जरिए विकराल रूप ले लेती है तो मैं आपको बता दूं कि मेरे पीछे यहाँ पर आस पड़ोस में झुग्गी झोपड़ियाँ भी हैं, तो यहाँ किसी भी समय कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। इसको लेकर ना तो प्रशासन गंभीर है, ना करनाल प्रशासन गंभीर है, और ना यहाँ के लोग। इसके अलावा जो यहाँ पर इस कूड़े को जलाते हैं, इसको उसकी निपटान की जगह, उसकी लिफ्टिंग की जगह इसको आग के हवाले कर रहे हैं, वो भी एक गलत काम कर रहे हैं। वो आने वाले दिनों में किसी भी बड़े हादसे को अंजाम दे सकते हैं, किसी भी बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं इस कूड़े को निपटाने के बजाय। और आप देख सकते हैं किस तरह से गोबर के ढेर यहाँ पर लगे हुए हैं, इनको भी आज तक कभी उठाया नहीं गया। आप देख सकते हैं जगह जगह इन कूड़ों के ढेरों पर ऐसा साफ प्रतीत होता है कि इन कूड़ों को ढेरों को आग के हवाले कर दिया जाता है, इनको जलाया, इनको उठाया नहीं जाता, इनका निपटान नहीं किया जा रहा, जो कि बड़ी ही गलत बात है। जो कि प्रशासन के जितने भी दावे हैं करनाल की साफ सफाई को लेकर, उन सभी पर पलीता लगता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर अब हम कुछ लोगों से बात करने का भी प्रयास करेंगे कि आखिर यहाँ पर अगर वो यहाँ से गुजरते हैं तो क्या उन्हें अपने नाक पर कपड़ा रखकर चलना पड़ता है या नहीं, या इस आग से क्या नुकसान हो सकता है। मेरे साथ मैं बात करने का प्रयास करूंगा, कुछ लोगों से बात करने का भी हम प्रयास करेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर कूड़ा बिखरा पड़ा है जगह जगह, और उस कूड़े को आग के हवाले किया गया है, आग के हवाले किया जाता है। मैं बात करने का प्रयास करूँगा यहाँ पर कुछ लोग, जो कि हालाँकि यहाँ बात करने का प्रयास करते हैं। भाई साहब, एक चीज़ बताएं, आप यहाँ के रहने वाले हैं सर? नहीं जी, नहीं, गांव का रहने वाला हूँ जी। कौन से गांव के रहने वाले? डिग्री क्लास। सर, एक चीज़ बताइए, आप भी सामने देख रहे हैं किस तरह से कूड़े के ढेरों को पर आग लगाई जाती है, क्या ये उचित है? नहीं जी, प्रशासन कहता है कि हमें साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं, साफ सफाई तो सर जी रखती नहीं कहीं पे भी। साफ देखो, यहाँ पर अगर आप, बहुत गंदगी आ रही है। हाँ जी, आ रही है जी, बिल्कुल आ रही जी।
अब देख सकते हैं, आप देख सकते हैं इनका ये कहना है, हालांकि किसी गांव से, लेकिन इनका ये कहना है कि यहाँ पर साफ सफाई नाम की कोई चीज़ नहीं, यहाँ पर इनको भी निकलने से पहले अपने नाक पर कपड़ा रख कर चलना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर खड़े होते भी स्मेल इतनी आती है। और मैं आपको बता दूँ कि आग के हवाले अगर कूड़े को आग के हवाले अगर कूड़े को किया जाता तो इससे निकलने वाली जहरीली गैसें और भी वातावरण को प्रदूषित करती हैं। मेरे साथ एक और सज्जन मौजूद है, मैं इनसे बात करने का प्रयास करूँगा। सर, करनाल में साफ सफाई की स्थिति को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? साफ सफाई तो सर आपके सामने है, मैंने देख सकते हो आप। सर, यहाँ पर जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक यहाँ पर कूड़े को है आग के हवाले किया जाता है, लिफ्टिंग नहीं की जाती, इससे कितना नुकसान हो सकता है? जहरीली धुआं होगी सर, उसमें जीवन हमारा अस्त व्यस्त हो सकता है। आपका नाम क्या सर? हमारा नाम शंकर झा है सर। कहाँ के रहने वाले शंकर? मैं सर करनाल का। देखिए, ये थे हमारे शंकर जी, इन्होंने भी हमारी बात के ऊपर मोहर लगा दी है कि इस आग के हवाले कूड़े को अगर किया जाता है तो उससे जहरीली गैसें निकलती हैं, वातावरण प्रदूषित होता है, जो कि मानव जीवन को नुकसान पहुंचाती है। मैं आपको बता दूं कि ये एक नहीं अनेकों बीमारियों का घर है, जिस तरह से आग के हवाले कूड़े को किया जाता है, ये सरासर गलत बात है। मैं एक और व्यक्ति से बात करने का प्रयास करूँगा। सर, आपका नाम क्या है? संदीप। संदीप जी, सरकार द्वारा या करनाल प्रशासन द्वारा साफ सफाई को लेकर हजारों करोड़ों रुपए खर्चा किया जाता है, लेकिन आपके पीछे कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं। इन कूड़े के ढेरों को छुट्टी वाले दिन बताया जा रहा है, छुट्टी वाले दिन कि इनको आग के हवाले कर दिया जाता है, क्या ये बात ठीक है या गलत है? ठीक है आपके लिए तो। आपके लिए क्या ठीक है जी? ये तो और क्या सर, आग लगाना उचित है? नहीं है जी सर, आग लगाना तो कहीं पे भी अलाउड नहीं है। ये तो सरकार ने भी बोला था, जो भी मिलता है उसका चलान कटो, ऐसे करो वैसे करो, करते कुछ भी नहीं है सर, ये कहते कहते हैं बस, यहाँ पे देख के कूड़े में आग लगा देते हैं कोई भी। अब भी देखो क्या बुरा हाल हो रहा है यहाँ पे। सर, इसके पीछे अगर हम दोष निकालें तो किसका दोष माना जाएगा? दोष सरकार के निकलेगा सर। प्रशासन द्वारा कितने कई कर्मचारी नियुक्त किए गए, सैकड़ों करोड़ों हजारों रुपए का बजट आता है, उस बजट को आखिरकार इसी पर खर्च करना है, लेकिन बात फिर उठ कर सामने ये आ रही है कि कूड़े को उठाने के बजाय, उसको लिफ्ट करने के बजाय आग के हवाले कर दिया जाता है, यह कहां तक उचित है? और आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे कि ऐसे? हम तो ये अपील करना चाहते हैं जी, यहाँ पे साफ सफाई रखो जी बढ़िया अपने लिए जी, यहाँ बहुत स्मेल आते हैं जी, हमारे को भी बहुत ज़्यादा गंदगी में रहते हैं जी, कहीं पे भी बीमारी फैलती है जी। बताओ जी, सरकार ने कोरोना चला दिया, क्या है कोरोना? वहीं अपने पास से चला दिया जी, बताओ ये कोई फायदा थोड़ी है कोरोना चलाने का? जब साफ सफाई नहीं होती तो कोरोना कहाँ से जाएगा फिर, बताओ सर? कितनी बड़ी बात इन्होंने हमारे से कही है कि एक तरफ सरकार पिछले एक साल से कोरोना को भगाने के लिए लगातार अभियान चला रही है, टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, तीसरे चरण की शुरुआत भी की जा चुकी है, लेकिन अगर वो कोरोना कैसे खत्म होगा अगर साफ सफाई नहीं होगी? एक और सज्जन मेरे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है समाचार एक्सप्रेस में, आपका शुभ नाम क्या है? विवेक। विवेक सर, करनाल में जिस जगह हम खड़े हैं इस समय मौजूद हैं, मुगल करनाल में है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गंदगी के ढेर हैं, कूड़े को उठाने के बजाय आग लगाया जा रहा है, जो हमें जानकारी मिली है, क्या ये बातें उचित हैं? सर, उचित कहाँ से आज, उचित तो है ही नहीं जी। तो सीएम सिटी का बोर्ड लगा खाली, स्मार्ट सिटी के, स्मार्ट तो बहुत, देखो कितनी स्मार्ट है जी, है बहुत बढ़िया, अच्छी काम है। क्या नुकसान हो सकते हैं? मैं कहा सब कुछ नुकसान है क्या जी, फायदा क्या इसका? ये हुड्डा की सीएम सिटी देखो ना वहाँ के जाके, और यहाँ की सीएम सिटी देखो कितना फ़र्क है, जमीन आसमान का फ़र्क है भाई साहब। ये देवीलाल चौक पर आप तो ये दिखा रहे हो, देवीलाल चौक पे जाके देखो ना, जो सा गेट बनाया उन्होंने, और उसमें खट्टर की फ़ोटो लगा के, खट्टर के जवानी की फ़ोटो लगा रखी है, वो गेट भी चालू किया 2 साल हो गया जी, वहाँ भी कितनी दिक्कत आ रही है, सुनवाई नहीं है सर, बिल्कुल सुनवाई नहीं है। कहना चाहेंगे क्या कहेंगे, फ़ायदा होगा तो कहने का, तो ये बताओ मुझे। देखिए, इनका स्पष्ट तौर पर ये कहना है कि ये नाम की सीएम सिटी है, काम की सीएम सिटी नहीं है। अगर सीएम सिटी देखनी है तो हुड्डा सरकार में जब उनका जो शहर था वो जाकर देखिए। यहाँ पर इन्होंने और भी हमें एग्जांपल कोड किए, जिन्हें आप हमारे चैनल पे आप देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, लेकिन बावजूद उन्होंने ये कह दिया कि जिस तरह से यहाँ पर गंदगी है वह तो रहेगी, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है, कोई सुनवाई करने वाली, इसलिए कुछ कहने को तैयार नहीं। सर बाबूजी, सबसे पहले आपको राम राम समाचार एक्सप्रेस के माध्यम से। बाबू जी, अगर हम बात करें करनाल में साफ सफाई की, और जिस जगह आप खड़े हैं उसकी एक तरफ पे आप देख सकते हैं गंदगी के बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं, गोबर के ढेर लगे हुए हैं, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, उन कूड़ों को आग के हवाले किया जा रहा है, क्या कूड़े को उठाने के बजाय आग लगाना उचित है? नहीं जी, उठाना चाहिए। उठाना चाहिए। अगर आप यहाँ पर खड़े हैं, आपने मास्क भी नहीं डाला, रुमाल भी नहीं, आपको किसी तरह की स्मेल आ रही है, तो आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे, उनको क्या करना चाहिए? उठाना चाहिए जी।
देखिए ये थे हमारे साथ बुजुर्ग, इनका ये कहना है कि यहाँ से चार तो रहे हैं लेकिन लेकिन इनको भी स्मेल आ रही है, भी बदबू से निकल कर जा रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा साफ़ सफाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है कि साफ सफाई के नाम पर खाना पूर्ति की जा रही है। मेरे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, मैं इनसे बात करने का प्रयास करूँगा। सर आप यहाँ से निकल रहे हैं, ये मुगल कनाल है सेक्टर 12, आपके आगे पीछे आपके साइड में गंदगी के ढेर लगे हैं, आप देख सकते हैं, हमने पहले भी दिखाया, आप देख सकते हैं यहाँ सफाई होती जी, हम भी नहीं दिन होते देखने लग रहे हैं थोड़ा दिन तक नहीं है जी, बहुत टाइम था पिछले टाइम हम कॉलेज मारे तो यहाँ नहीं हमेशा यही गंदगी पाओ यहाँ। सर यहाँ पर कूड़े को उठाने की बजाय आग लगाई जाती है, आग जला, आप कॉलेज में पढ़ते हैं, आप कॉलेज में पढ़ते हैं, आपको हमारे से भी ज़्यादा नॉलेज होगी क्योंकि जो कूड़े को जलाया जाता है उससे जहरीली गैसें निकलती हैं और जो मानव शरीर के लिए और वातावरण के लिए नुकसानदायक है। तो और इसके अलावा सरकार के द्वारा प्रशासन के द्वारा साफ सफाई को लेकर बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, इन वादों के पीछे कितनी सच्चाई है ये हम आपके मुझे सुनना चाहेंगे। ये सच्चाई जी आप देख ही रहे हैं, कुछ के सच्चाई है जी, एक भी कुछ कोई कूड़ा कचरा उठे आज तक। कहना स्मार्ट सिटी है जी हमारी करनाल, स्मार्ट सिटी थोड़ी है ये रही स्मार्ट सिटी है जी, तो स्मार्ट सिटी नहीं गंदगी सिटी है जी, हर जगह जी गंदगी, स्मार्ट तो ना कड़ी तो दिखती नहीं दिया। देखिए ये कॉलेज के स्टूडेंट हैं, इनका कहना है कि ये रोज़ यहाँ से निकलते हैं, इनको हर रोज़ इस तरह के माहौल से गुजरना पड़ता है, इन्होंने कहा कि ये स्मार्ट सिटी नहीं है, ये गंदगी सिटी है। अब हम बात करते हैं, एक आते हैं जी कोठी वाले सारे इकट्ठा करते हैं, जुग्गी वाले बदनाम करते हैं, तो हमने सामने जुग्गी में सारे गोबर फलाने ट्राली भर के रात में गिर जाते हैं, आ तो कुछ किस जगत हो तो आप बताओ, कल होकर गुदगी वाला को मारते हैं पीटते हैं, छोटा लड़की गुड़िया हमारा पैदा हुआ आज तक कभी आज तक कोई नहीं आया तो कोई ऐसा खबर नहीं बता, बोलता हूँ तो मेरे कोठी वाला मारने लगता है जी। यहाँ पर गंदगी कौन गिरता है जी? सब गिरते हैं जी, यहाँ कोठी वाले सारे गिरते हैं, रात में गिरते हैं जी, हम आप कौन लगा हम बोल रहे तो हमको मारेंगे जी। देखिए ये थे बस छोटे हमारा बदबू तो सारे आते हैं जी, क्यों नहीं आते हैं जी गोबर, आपको सब देख रहे हैं सरकार देख रहे हैं हमने, अब क्या कर सकता है बताओ। देखिए ये थे इस गंदगी के साथ रहने को मजबूर झुग्गी झोपड़ी में बलबीर जी, इनको अपना बताया इनका नाम, इनका ये कहना है ये झुग्गी में रहते हैं, रात के समय यहाँ पर कोठियों वाले और दूसरे अन्य लोग यहाँ पर कचरा गिर कर जाते हैं, अगर ये कुछ बोलते हैं तो इनके साथ मारपीट की जाती है, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं। अब मैं एक और सज्जन है, मैं इनसे बात करने का प्रयास करूँगा। सर करनाल में जिस जगह आप इस समय मौजूद है जहाँ से आप निकल कर आए हैं, हाँ जी, यहाँ पर साफ सफाई को लेकर क्या हालात है? बहुत बुरे हाल है सर, बहुत बुरे हाल है सर। तो यहाँ पर जो कूड़ा पड़ा इसके ये इससे क्या परेशानी होती है आपको? अब यहाँ से अगर जैसे गोबर में इसकी वजह से मच्छर होते हैं, मच्छर से बीमारियाँ फैलती बहुत ज़्यादा, आजकल वैसे बहुत बीमारी फैल चुकी हैं, तो जिससे लोग बचाव तो कर रहे हैं बट लेकिन फिर भी इनके पास जो झुग्गी में रहते हैं लोग तो इनको बहुत दिक्कत है इनसे। सर सरकार करोड़ों रुपये का बजट निकालती है, उनके बड़े बड़े वादे हैं, करनाल को स्मार्ट सिटी है, करनाल को अव्वल नंबर पर लेकर जाना है, क्या आपको लगता है कि ऐसे हालातों में करनाल अव्वल आ जाएगा? नहीं सर अव्वल तो नहीं आ सकता बट लेकिन सफाई की जाए तो अव्वल आ सकता है बिल्कुल। अब आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? जल्द से जल्द सफाई हो जाए इनकी, अच्छा रहेगा इन सबके लिए, हमारे लिए भी, हम लोग यहाँ से निकलते हैं आते जाते हैं हमें भी स्मेल नहीं आएगी, बीमारी से बचे रहेंगे हम लोग सब। आपका शुभ नाम? राज। देखिए ये थे मिस्टर राज हमारे साथ थे, इनका ये कहना है कि ये भी अक्सर यहाँ से निकलते हैं लेकिन यहाँ पर गंदगी इनको झेलनी पड़ती है, यहाँ पर साफ़ सफाई नाम की कोई चीज़ नहीं है, सरकार को चाहिए कि वो उस पर ध्यान दे क्योंकि यहाँ पर गोबर के ढेर लगने से यहाँ पर मच्छर पनपते हैं, मच्छर पनपने से बीमारियाँ फैलती हैं, इससे पहले भी करनाल में बीमारियाँ, करनाल के हिंदुस्तान में बीमारी एक भयंकर बीमारी है जो अभी भी ख़त्म नहीं टली नहीं है, बावजूद इसके प्रशासन द्वारा या फिर जिस किसी के द्वारा भी इस तरह की लापरवाही बरती जा रही है और गंदगी के ढेरों को आग के हवाले किया जा रहा है, गोबर के ढेरों को लिफ्ट नहीं किया जा रहा, इससे स्पष्ट यह जाहिर होता है कि यह आने ये जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर कड़ी मेहनत प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं उनके प्रयासों पर यह सारी की सारी गंदगी पलीता लगाने का काम कर रही है। मैं तरुण मदान सीनियर कैमरा। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक